एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस में से एक टॉपिक है जंतु और पौधे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल सीटेट में प्रायः पूछे जाते हैं, और ये सीटेट का पर्यावरण अध्ययन में जो क्लास 1 से 5 का जो पेपर है, उस पेपर में ईवीएस का सवाल इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा आता है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको सुने और समझें कि किस प्रकार से जंतु और पौधे को अलग अलग तरह से बांटा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सजीव का। ये दो वर्ग सबसे मुख्य है, एक तो पादप जगत और एक होता है जंतु जगत, और ये दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पादप जगत। पादप जगत में आपका पौधा, वृक्ष, ये सब आएंगे। और जंतु जगत में जितने भी जंतु, पंछी, कीड़े मकोड़े आदि आएंगे। और इसके अलावा एक आपका जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको हम लोग जीवाणु बोलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सजीव का ही वर्ग है। वो सब भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पौधा। पौधा क्या है? पौधा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का उपलब्ध कराना एवं मनुष्य के लिए खाद्य पदार्थ का व्यवस्था करना सजीव में जीव जंतु पेड़ पर भी संपूर्ण तरीके से निर्भर होता है। पौधों का जो भाग होता है, पौधे का भाग में अगर हम बात करें और उसका कार्य का अगर हम बात करें, उसका निम्नलिखित भाग और उनके निम्नलिखित कार्य होते हैं। भाग का अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है जड़। जड़ पेड़ का वह भाग है जो जमीन के अंदर होता है। जड़ मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है मूसला जड़ और एक होता है झकड़ा जड़। मूसला जड़ जैसे कि मटर, झकड़ा जड़ में जैसे हो जाएगा गेहूं। जड़ पेड़ को जमीन से पकड़कर उसके लिए भोजन बनाता है। इसके अलावा जमीन के अंदर से पानी, खनिज को भी पूरे पेड़ तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर हम बात करें तना, पृथ्वी के ऊपरी भाग में जैसे पत्ते और टहनियाँ निकलती है, जड़ों के ऊपर तना जो गहरा लाल रंग का होता है। कुछ ऐसे तना भी हैं जो अवशोषित भोजन को सभी तक पहुंचाते भी हैं, और ऐसे भी कुछ तने हैं जिसको हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो पेड़ का जो एक और मुख्य भाग है वो है पत्तियाँ। पत्तियाँ जो है वो कहीं ना कहीं पेड़ का रसोई घर भी कहलाता है, क्योंकि पत्ती सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा को लेकर पत्तों के लिए भोजन बनाते हैं। कुछ पत्तों को हम खाते भी हैं। पत्तों से जलवाष्प निकलता है और पत्तों से ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। और प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने का सबसे बड़ा प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधों का एक और मुख्य भाग है फूल। फूल जो होता है वो पौधों का प्रजनन अंग होते हैं, और पौधों का विकास फूलों से ही होता है। फूलों का जो भाग होता है, फूलों को हम लोग मुख्यतः कुछ भागों में बांटते हैं, जैसे कि बाह्य दल, पंखुड़िया, स्त्री केसर, पुंक केसर, ये सब पौधों के मुख्य भाग हैं। सबसे बड़ा अगर हम फूल का बात करें तो रफलेसिया होता है, और सबसे छोटा बुलवाफिया होता है। फूलों का भोजन में प्रयोग करते हैं, फूलों से इत्र बनता है, फूलों से तेल बनता है, आदि आदि बहुत सारे फूलों के और भी काम हैं। अगर हम बात करें फल, फल का निर्माण फूलों से ही होता है। प्रायः हम सभी फूलों को खाना पसंद करते हैं। फलों के अंदर बीज होता है और बीज से पौधे का निर्माण होता है। अगर हम बात करें बीज, पौधों का एक बहुत बड़ा भाग है बीज। फूलों एवं फलों के अंदर बीजांड होता है जिससे भ्रूण होता है, और बीज से ही पौधा का विकास होता है। कई सारे बीजों को हम खाना भी पसंद करते हैं, जैसे कि मूंगफली, सही प्रकार के दालें, चावल आदि। अगर हम बात करें पौधों के प्रकार, पौधों के प्रकार कुछ इस तरह हैं, जैसे कि शाख जिसको हम लोग हर्ब्स कहते हैं, झाड़ियाँ जिसको हम शब्स कहते हैं, वृक्ष जिसको हम लोग ट्रीज कहते हैं, लताएं जिसको हम लोग क्रीपर कहते हैं। अगर हम बात करें शाख, तो शाख वो सारे पौधे हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे कि धनिया, मेथी, पुदीना आदि, ये सभी हर्ब्स के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें झाड़ी, तो झाड़ी जो होते हैं वो शाख से थोड़े से बड़े होते हैं, और थोड़े से इसके जो तने होते हैं वो टाइट होते हैं और कुछ मोटे होते हैं, जैसे कि गुलाब, नींबू, ये सब झाड़ी के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें वृक्ष का, तो वृक्ष तो आप जानते ही हैं, इसके मोटे तने होते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, और इसमें बहुत सारे शाखाएँ भी निकलती हैं, जैसे कि आम, जामुन, कटहल, नीम, ये सभी वृक्ष के उदाहरण हैं। लताएँ,
लताएं भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विसर्जी लताएं, एक होते हैं आरोही लताएं। विसर्जी लताएं जो जमीन के अंदर ही जो जमीन के ऊपर ही रहते हैं और वो ऊपर नहीं उठते हैं, जमीन में ही वो अपना लताएं फैलाते हैं, जैसे कि खीरा, कद्दू, खरबूज, ये जो है ये विसर्जी लताएं का उदाहरण है। आरोही लताएं जैसे कि सेम, मनी प्लांट, अंगूर, मटर, ये सब आरोही लताएं के उदाहरण है। पौधों को हम लोग निम्नलिखित तीन भागों में बांट सकते हैं, एक होता है लवण उद्भिद, एक होता है समुद्भिद, एक होता है मरुद्भिद। लवणभिद उसको हम लोग बोलते हैं जो पेड़ दलदली स्थानों पर होता है, इसका उदाहरण में सॉल्ट मार्श एक उदाहरण है। समुद्भिद वैसे पौधों जो खेती योग्य भूमि में होते हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का, चावल आदि, ये समुद्भिद के उदाहरण है। मरुद्भिद वैसे पौधे जो मरुस्थलीय भूमि में होता है, जो बहुत कम पानी में भी हो सकते हैं, जैसे कि नागफनी, एस्कसिया, है ना, एकासिया, यूफोनिया, ये सब कुछ है जो मरुद्भिद का उदाहरण है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसको हम लोग कुछ विशेष पौधे या वृक्ष कहते हैं, जैसे कि बरगद। बरगद एक विशेष पौधा या विशेष वृक्ष में आता है। यह एक विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है, इसके शाखा जड़ से निकलती है, ये विशेष वृक्ष में आता है। एक होता है क्रोटन। क्रोटन ये फसल के साथ लगाए जाते हैं जिनकी जड़ें नीचे तक नहीं जाती और कब सिंचाई करनी है ये बताते हैं। केला, केला भी एक प्रकार का है विशेष पौधा, ये एक प्रकार का शाक है जिसके तनाएं कमजोर होती है, इसका फूल फल दोनों हम लोग खाते हैं। एक है खिचड़ी, ये रेगिस्तानी पौधा है जिसके फली से सब्जी बनती है, इसके लकड़ी इसके कीड़े नहीं लगते हैं। एक होता है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक ये भी रेगिस्तानी पेड़ है जो जड़ें जमीन के काफी अंदर तक जाती है और पानी में स्थिर होता है। एक होता है घटपर्णी, ये पेड़ छोटे छोटे जीव और कीड़ों को खा जाता है, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। इस पौधे से खुशबू निकलती है। अगर हम बात करें पौधों का महत्व, पेड़ से शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिलती है, हमारा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखता है, पौधे मृदा क्षरण को रोकता है, पौधे हमारे भोजन के लिए प्रयोग होता है, जल का स्तर को बनाए रखता है, वातावरण की सौंदर्य को बनाए रखता है, ये हमारे लिए सौंदर्य शक्ति श्रृंगार के रूप में काम आता है। पेड़ पौधे रेगिस्तान में पानी हवा का स्रोत है। इस तरह से पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पौधे हमारे लिए जीवनदायी नहीं होता है, साथ साथ हमारे खाद्य पदार्थ में भी बहुत ज्यादा भाग हम लोग पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया जंतुओं के बारे में। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पेड़ों के बाद जंतु के बारे में होगा। ये मैंने बात किया अभी पौधों के बारे में, पौधों के महत्व के बारे में, पौधों के भाग के बारे में, विशेष प्रकार के पौधों के बारे में, पौधे के जितने भी तरह होते हैं उनके बारे में मैंने बात किया। अब इसी में एक और टॉपिक आता है जंतु, तो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जंतु के ऊपर होगा। धन्यवाद।